हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओ लेवल गुरुजी। स्टूडेंट, जैसे कि हम लोग अपने पाइथन की 13 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में बताया था डिटेल में, ठीक है ना। और इसमें हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में जान चुके हैं और कंडीशनल स्टेटमेंट ही हमारे चल रहे हैं, ठीक है। तो कुछ टाइप्स के होते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट, जो कि मैंने लास्ट क्लास में ऑलरेडी बताया हुआ है। तो और लास्ट क्लास में हम लोग यहाँ पे इफ स्टेटमेंट भी कंप्लीट कर चुके थे। जिन्होंने अभी तक प्रीवियस क्लासेस की वीडियो नहीं देखी है, प्रीवियस क्लासेस की वीडियो देख लीजिए, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, अब आपको पिछले 4 दिन से क्लासेस नहीं मिल पाई थी, जो कि मेरे घर में जो फंक्शन था उस वजह से, लेकिन आपको अब कंटिन्यू क्लासेस मिल रही है और कंटिन्यू क्लासेस ही मिलती रहेंगी। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक नहीं किया है, वो लाइक कर दीजिए, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल डिटेल में मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ पाइथन लैंग्वेज, ठीक है। क्योंकि हम लोग का जो टॉपिक चल रहा है, वो चैप्टर नंबर हम लोग का चल रहा है यहाँ पर, 5th नंबर का चैप्टर चल रहा है, और ये सब हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। इफ स्टेटमेंट में मैंने आपको 2 प्रोग्राम कंप्लीट करा दिए थे, ठीक है। क्योंकि इफ स्टेटमेंट में क्या प्रॉब्लम थी, ये आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि इफ स्टेटमेंट में एक प्रॉब्लम थी कि वहां पर अगर मान के चलिए हम लोग, जैसे कि चलिए एक बार एक प्रोग्राम और देख लेते हैं। मान के चलिए मुझे चेक करना है कि नंबर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ठीक है। एक हम लोगों ने प्रोग्राम और किया हुआ था इफ स्टेटमेंट, तो उसमें था पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। इसमें सिर्फ हमें इतना सा चेक करना है कि अगर हम कोई नंबर एंटर कर रहा है, वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक मैसेज दिया, एंटर एनी नंबर, ठीक है। इसके बाद मैं क्या लगाऊंगा, इफ स्टेटमेंट। तो हमने यहाँ पे लिखा इफ, जैसे सपोज यहाँ पे लगेगा इफ, ठीक है, नंबर इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। पॉजिटिव कब होता है, जीरो होता है, ठीक है। तो वो पॉजिटिव होगा जीरो, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा नंबर इज पॉजिटिव। सपोज मैंने यहाँ का नंबर और इसके बाद इज, नंबर इज पॉजिटिव। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अगर वो नंबर पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे आ जाएगा नंबर इज पॉजिटिव, कॉमा के साथ सेपरेट करेंगे। ये हमारा सिंपल इफ स्टेटमेंट है, इसको मैंने सेव किया है। सेव करने के बाद सपोज मैंने इसको सेव कर दिया इफ 11 से और एंटर किया। अब मैं जब इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, F5 प्रेस करते हैं, तो ये हमसे बोल रहा है एंटर करो नंबर। मैंने एंटर किया 25, तो 25 क्या है, पॉजिटिव है, बिल्कुल सही है। लेकिन इस स्टेटमेंट की प्रॉब्लम क्या है कि ये जो प्रोग्राम था, वो प्रोग्राम क्या था, राइट अ प्रोग्राम टू चेक नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है ना। जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही हमें इसमें बताना था। क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। सपोज मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया है, राइट अ प्रोग्राम टू चेक whether the enter number is पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग जब हम इस प्रोग्राम को रन कर रहे हैं, तो आपको पता है कि ये सिर्फ हमें क्या बता रहा है, देखिए अगर मैं एंटर कर रहा हूँ 25, तो पता रहा है 25 इज पॉजिटिव, जो कि बिल्कुल सही बात है। बट जब मैं इसके अंदर क्या कर रहा हूँ, रन कर रहा हूँ और यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ -5, तो ये हमें नेगेटिव नहीं बताएगा, ठीक है। ये हमारे इफ स्टेटमेंट की प्रॉब्लम थी, जिसका सॉल्यूशन हमें किसमें मिला है, अपने सेकंड स्टेटमेंट में, जिसका नाम है इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में, ठीक है। तो इफ एल्स का मतलब एक्चुअली क्या होता है, रॉन्ग पार्ट होता है। सपोज मैं इस क्वेश्चन के पहले ही यहाँ पे हेडिंग लिख देता हूँ, इफ एल्स स्टेटमेंट। तो देखिए, सबसे पहले आपको सिंटैक्स देखिए, सिंटैक्स सेम होता है, अगर देखा जाए तो इफ तक सेम रहेगा, बस यहाँ पर हमारा थोड़ा सा सिंटैक्स बदलेगा, वो रहेगा एल्स का, ठीक है। एल्स के अंदर भी क्या आएगा, यहाँ पे स्टेटमेंट आएगा। तो एल्स कब एग्जीक्यूट होगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। एल्स तब एग्जीक्यूट होगा आपका, जब हमारी यहाँ की कंडीशन गलत होगी। जैसे कि अभी आपको मैं 2-3 चीज और बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर आप देखिए, जैसे यहाँ पे अभी अपन एग्जीक्यूट कर रहे थे, तो हमें पता है कि पॉजिटिव मिल रहा था और नेगेटिव वैल्यू पे कुछ नहीं मिल रहा था। एक चीज और मैं और बता देता हूँ, जब आप लोग इस तरह से देखेंगे एंटर करते हैं, तो इसका इंडेंटेशन अपने आप ही सेट रहने दीजिएगा, ठीक है। आप इसको ऐसे नहीं कर सकते, अगर आप ऐसे करेंगे और मैं रन कराऊंगा तो देखिये एक प्रॉब्लम आएगी इंडेंटेशन की। क्या बोल रहा है, एक्सपेक्टेड एज इंडेंट ब्लॉक। जब भी आपको ये प्रॉब्लम दिख जाए, तो समझ लीजिए जहां पर भी आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, आप वहां पे कर्सर रख के बैक करके एंटर कर दीजिए, तो ये अपने आप इंडेंट आपका सेट हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए इंडेंट सेट हो गया, बस ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अभी नहीं हुआ है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम लोग करेंगे एल्स से। तो अब आप लोग सिंटैक्स देखिए, सबसे पहले सिंटैक्स क्या था, इतना तो सिंटैक्स सेम था। यहाँ पे एल्स में हम लोग क्या लगाएंगे, स्टेटमेंट। तो एल्स के स्टेटमेंट के लिए हम लोग यहाँ पे लगाएंगे एल्स के लिए। तो अगर देखिए, सीधी सी बात है, अगर नंबर ग्रेटर देन जीरो होगा तो वो क्या कहलाएगा, पॉजिटिव कहलाएगा। एल्स वो नंबर क्या कहलाएगा, हमारा नेगेटिव कहलाएगा। अभी लास्ट जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था, इस प्रोग्राम में मैंने आप लोगों को 3 कंडीशन लगवाई थी। हम चाहे तो एक और इफ लगा सकते हैं, लेकिन एल्स से कैसे करेंगे, वो इस तरह से करेंगे। अब थोड़ा सा मैं आपको ट्रेस करके बता देता हूँ कि प्रोग्राम ट्रेस चल कैसे रहा है। सपोज मैंने यहाँ पर एंटर किया, ठीक है, से कॉमेंट्स को हम लोग इंडिकेट करते हैं। मैंने यहाँ पर एंटर किया 65, तो 65 किसके अंदर जाएगा, नम के अंदर। तो यहाँ पे कंडीशन टेस्ट होगी, यहाँ पर नम इज ग्रेटर देन जीरो का मतलब ही क्या होता है, नम इज ग्रेटर देन जीरो का मतलब है 65 इज
ग्रेटर देन जीरो, क्या कंडीशन बिल्कुल सही है? बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा 65 इज पॉजिटिव, ठीक है। और सपोज मैं यहाँ पर अगर एंटर करूँ, अगर आप एग्जीक्यूट करना चाहें तो देख लीजिए, एग्जीक्यूट करते हैं, अब हम 65 ही आपके सामने एंटर करते हैं, तो 65 इज पॉजिटिव, ठीक है, ये तो बिल्कुल परफेक्ट वर्क किया। सपोज अब मैं अगर अगेन सेकंड रन में, फर्स्ट रन में हो गया, अगेन मैंने यहाँ पे वैल्यू अगर एंटर कर दी, सपोज मैंने एंटर कर दी -9, ठीक है, तो -9 कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे, तो यहाँ पे भी अगेन कंडीशन क्या होगी, चेक होगी, तो यहाँ पे चेक क्या होगी, -9 इज ग्रेटर देन 0, तो ये कंडीशन तो देखिए फॉल्स हो गई है। तो जब कंडीशन उस टाइम पे फॉल्स हो रही थी कोई मैसेज नहीं आ रहा था, लेकिन इस बार जब भी यहाँ पे कंडीशन ये आपकी गलत रहेगी तो हमेशा आपका एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, तो कंडीशन ट्रू रहेगी तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा जो कि इफ स्टेटमेंट है, और अगर कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी, जैसे यहाँ पे कंडीशन -9 जीरो से बड़ा नहीं है, तो आपका क्या एग्जीक्यूट होगा, एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या आएगा, -9 इज निगेटिव, ठीक है। अब मैं इसको अगेन रन करता हूँ, रन करने पर मैंने यहाँ पे वैल्यू एंटर की -9, और आप देखेंगे यहाँ पे -9 इज निगेटिव, ठीक है। आई होप अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा किस तरह से हम लोग करते हैं, तो इफ एल्स स्टेटमेंट का ये हमारा बेनिफिट है, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो इफ एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स होगी तो यहाँ पे एल्स एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, तो ये हमारा था इफ एल्स स्टेटमेंट। इसके अलावा आप चाहे तो और भी प्रोग्राम कर सकते हैं, जैसे कि मैं चेक करना चाह रहा हूं 2 नंबरों में ग्रेटर नंबर, तो यहां क्वेश्चन हो गया, राइट अ प्रोग्राम टू चेक ग्रेटर नंबर बिटवीन 2 नंबर, ठीक है, 2 नंबरों में ग्रेटर नंबर चेक करना है। तो देखिए 2 नंबर में ग्रेटर नंबर चेक करने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, 2 नंबर, तो मतलब हम लोग एंटर करेंगे 2 नंबर को तभी हमारा वहां पे होगा। तो इस कंडीशन में जैसे कि आप लोग चाहो तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसी प्रोग्राम में मैं चेंज कर देता हूं, तो 2 नंबर चाहिए, तो 2 नंबर के लिए ये तो देखिए आउटपुट है, इसको मतलब ये तो कमेंट है, कमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसको मान लो नंबर 1 और इसको मान लो नंबर 2, तो हम लिखेंगे Enter Number 1 या Enter First Number, ठीक है, इसी को कॉपी कर देते हैं, Ctrl+C और यहाँ पे Ctrl+V, यहाँ पे लिखा Enter First Number, यहाँ पे लिख दो Enter Second Number, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, नंबर 1 बड़ा कब होगा, तो हमने कहा नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2, अगर नंबर 1 बड़ा है किससे, नंबर 2 से, तो मैसेज आए नंबर 1 इज ग्रेटर देन, है ना, नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे लगा देंगे नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2, यहाँ पे लिख देंगे नंबर 2 कॉमा लगा के नंबर 2, और जस्ट अगर नंबर 2 बड़ा होगा तो उस कंडीशन में एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो यही वाला मैसेज मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, यहाँ पे नंबर 2 कर दीजिए और यहाँ पे कर दीजिए नंबर, ठीक है, ये आपका नंबर, Ctrl+S करते हैं, जैसे ही Ctrl+S करेंगे, Ctrl+S करने के बाद जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, एग्जीक्यूट करने के बाद आप यहाँ देखिए क्या आ रहा, इनवैलिड सिंटैक्स, तो देखिए यहाँ पे क्या इश्यू आ गया इनवैलिड के लिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने ये इस तरह से कर दिया, 1 मिनट, नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2, और यहाँ पे एक्चुअली क्या था, ये प्रॉब्लम नहीं थी, मेन प्रॉब्लम थी ब्रैकेट क्लोज नहीं था, ठीक है, Ctrl+S कर दीजिए। अब देखेंगे फर्स्ट नंबर, मैंने कहा 85, सेकंड नंबर मैंने एंटर किया 50, तो क्या बड़ा है, फर्स्ट नंबर बड़ा है सेकंड नंबर से, तो मैसेज क्या आएगा, 85 इज ग्रेटर देन 50, तो आप देखेंगे 85 इज ग्रेटर देन 50, ये प्रोग्राम रन कैसे हो रहा है इसको समझना है, तो आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले किस में जाएगा, 85 हमारा, 85 जाएगा हमारा नंबर 2 में, और दूसरा जो 50 जाएगा वो हमारा किस में जाएगा, ये जाएगा आपका नंबर 2 में, ठीक है, तो नंबर 1 में 85 और नंबर 2 में 50, यहाँ पर कंपेयरिंग होगी, कंपेयरिंग कैसे होगी, 85 इज ग्रेटर देन 50, क्या कंडीशन ट्रू है ना, तो क्या कंडीशन ट्रू है, 85 क्या बड़ा है 50 से, बिल्कुल सही बात है, तो इसके प्लेस पे आ गया 85 इज ग्रेटर देन 50, ठीक है, इसी वजह से मैसेज यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है। अगेन रन करके देखते हैं, फिर मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया, जैसे कि मैं यहाँ पे रन करना चाह रहा हूँ कि अब जो नेक्स्ट हमारा जो रन होगा वो किस तरह से रन होगा वो आप लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे अगेन इसको एग्जीक्यूट करेंगे, सपोज अब मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, जैसे कि नंबर 1 में मैंने अभी 85 एंटर किया था, नंबर 2 में 80 किया था, यहाँ पे 50, ठीक है। अब मैं यहाँ पे वैल्यू क्या करता हूँ, नंबर 1 की छोटी एंटर करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, अगर F5 मैंने प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पर मैंने प्रेस किया F5, तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि सपोज मैंने यहाँ पे एंटर किया, जैसे कि पहले मैंने एंटर किया 50 और दूसरा मैंने एंटर किया 100, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि जो हमारी नंबर 1 की वैल्यू वो कितनी जाएगी, 50 जाएगी, और जो नंबर 2 की वैल्यू कितनी जाएगी, 100 जाएगी, तो यहाँ पे कितना आएगा, 50 इज ग्रेटर देन 100, तो कंडीशन क्या हो जाएगी हमारी, फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि ये छोटा है, तो इस कंडीशन में क्या एग्जीक्यूट होगा, एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे
कि यहाँ पे लिख के आएगा 100 इज ग्रेटर देन 50। ठीक है, आई होप आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह से हमारा इफ एल्स हमारा काम करता है। ठीक है, और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, लेकिन और भी बहुत सारे प्रोग्राम आप लोग देख लीजिएगा, बाकी मैं आपको वेबसाइट पे अपलोड कर दूंगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इफ एल्स स्टेटमेंट भी कम्प्लीट हो गया है। ठीक है, तो अभी तक हम लोग अपने यहाँ पे दो स्टेटमेंट कम्प्लीट कर चुके हैं, इफ स्टेटमेंट एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, अब आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि मार्केट में एल्स स्टेटमेंट क्यों आया, क्योंकि जब हमारी इफ की कंडीशन क्या होती है, गलत होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एल्स स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में अपना देखेंगे इफ एलिफ स्टेटमेंट और नेस्टेड इफ। ठीक है, दो स्टेटमेंट क्या, एक नेक्स्ट क्लास रखेंगे लॉजिकल एंड और लॉजिकल और की विद प्रोग्रामिंग, तो ये भी हम अपना कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।